हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिग योर माइंड। आज है लेक्चर नंबर 5 किसका, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का। तो इसके जो पहले 4 लेक्चर्स हैं उनमें हम लोगों ने बेसिक बातें सीख ली हैं और किस तरीके से हम रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर इन सबको प्लॉट करते हैं ये सब कुछ देख चुके हैं। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर एक्चुअली होते क्या हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा हुआ है। तो जिन लोगों को ये सारी बातें पता है, बहुत अच्छी बात है, वो आगे ये लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं। और जिनको ये लेक्चर के बारे में आइडिया नहीं है, यानी कि इससे पहले की चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो वो जाके पहले वो प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको ये मिल जाएगा, तभी आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। और जिनको ये आता है उनको तो समझ में आएंगी ही आएंगी, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने मेरे ही वीडियोज़ देखे हों। अगर उनको वैसे भी आइडिया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज हम क्या करेंगे। आज हम बात करेंगे रैशनलाइजेशन की। रैशनलाइजेशन ठीक, इसमें नाम से ही पता चल रहा है हमें किसी चीज को रैशनलाइज करना है। ठीक है, हम लोगों ने दो तरह के नंबर देखे थे रियल नंबर्स में, कैसे क्या क्या नंबर थे भाई, वो हमारे पास थे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो ये रैशनल की ही कुछ बात कर रहा है, ठीक है जी। ओके, कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, हम लोगों ने जब रैशनल नंबर पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस का मतलब 7th 8th की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर नंबर होता था -5/7 तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि नेगेटिव साइन ऊपर है, राइट, ऐसा होता था। पर अगर मेरे पास नंबर होता था 5/-7 तो उस केस में हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं हो सकता था। याद है ये बात आपको, नहीं याद है तो आप समझ लीजिए कि नेगेटिव साइन जो होता है हमारा डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है। तो इसको हम कन्वर्ट करते थे और हमारा नंबर फाइनली बन जाता था क्या, -5/7। ये माइनस ऊपर चला जाता था, है ना, ऐसा कुछ होता था। पर बात यहाँ पे होती है क्या कि भाई ये डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि बस ये शिफ्ट हो गया ऊपर, इनके बीच में एक और स्टेप होता है। और वो स्टेप क्या होता है, वो स्टेप ये होता है कि पहले ये 5/7 जो है इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली ये -1, इसको और समझ लिए, ये -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली इसको, ठीक है। बात समझ में आई क्या हुआ है यहाँ पे, हमने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया जो, और इसको डिटेल में मैंने बता दिया आपको, तो ये -5 हो गया था। ओके, बेसिकली यही था। ओके फाइन, अब हुआ क्या, ये कन्वर्ट होने के बाद बन गया -5। और वॉट इज -1 × -7 या -7 क्या होता है, ये क्वांटिटी बन जाती है +7 और ये तो -5 है, तो ओवरऑल ये जो क्वांटिटी आ जाएगी हमारी यही तो आ जाएगी, क्योंकि -1 × 5 इज -5 एंड -1 × -7 इज +7, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ में आई कि ये डायरेक्टली हो रहा था वो नहीं था, हम लोगों ने एक्चुअली पढ़ा यही था पर ये याद नहीं रहता कई लोगों को, है ना, मोस्टली लोगों को याद ही रहता। तो हम क्या करते थे, डायरेक्टली ये साइन ऊपर ले जाते थे, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर होता क्या था कि ये -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है और ये -1 इसको पॉजिटिव बना देगा और ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने इतनी कसरत की, पहलवानी की, उससे हमें क्या मिलेगा, रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मिलेगा। कैसे, देखिए हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई नंबर हो जैसे √2, कोई दिक्कत नहीं है, √2/3 अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इरेशनल नंबर हमारा न्यूमरेटर में है, ये ओवरऑल एक इरेशनल नंबर ही है, ये तो मुझे पता ही है ना, क्यों, क्योंकि इस तरह की चीज़ हम लोगों ने देखी है, इरेशनल डिवाइडेड बाय रैशनल में क्या होता है। नाउ यहाँ पे इरेशनल पार्ट क्या है, न्यूमरेटर में, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर मैं आपसे कहता कि √2 मेरा डिनोमिनेटर में होता, ठीक है, अगर मेरा √2 डिनोमिनेटर में होता, तब यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, जैसे यहाँ पे निगेटिव साइन हमारा
जब रैशनल नंबर में हम बात करते थे, नेगेटिव साइन हमेशा मेरा न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, मतलब अगर होगा तो, ज़रूरी ज़बरदस्ती नहीं लगाते थे। तो यही काम, अगर मेरा इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में है तो मैं ये नहीं चाहूँगा, मतलब ये होता नहीं मैथ में कि हम इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में लिखें, तो हम क्या करते थे, इसको रैशनल बनाना पड़ेगा, और इस रैशनल नंबर बनाने के ही प्रोसेस को हम रैशनलाइजिंग बोलते हैं या रैशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है जी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ अगर मैंने रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। देखिए, ये न्यूमरेटर तो रूट टू बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई। नाउ रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है, रूट टू इंटू रूट टू इज टू। ये बात ठीक है, ये बात याद है, समझ में आती है बिल्कुल अच्छे से। तो डिनोमिनेटर अब मेरा क्या बन गया, टू बन गया, और ये एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है, और हमारा काम हो गया, यही हमें चाहिए था। बात समझ में आई, हमको डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं चाहिए, उसको हम रैशनल बनाएंगे, न्यूमरेटर में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने कनेक्ट करने के लिए आपको ये बात बताई थी, जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने किया था, वही काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है, बस उसमें नेगेटिव साइन की बात हो रही थी, यहाँ पे रैशनल इरेशनल नंबर की बात है। वापस से आते हैं इस पर, तो ये देखिए हमने क्या किया था, प्रोसेस क्या किया, रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ तो माइनस वन से जैसे चल रहा था, तो हमें ये देखना होगा बेसिकली, अब हमारा काम यहाँ पे ये है, इस चीज़ को भूल जाते हैं फिलहाल के लिए, इस पर फोकस करते हैं। क्या कह रहा है ये, कि इस प्रोसेस में हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा जो है डिनोमिनेटर है उसका इरेशनल पार्ट ख़त्म हो जाए, यही है हमारा रैशनलाइजेशन का काम, ठीक है जी। अब देखिए, अगर नंबर दे रखा है 2/√3, ठीक, तो इसमें तो जैसे हमने रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया था काम चल गया था, यहाँ देख ही रहा है, समझ में आ रहा है, रूट टू से मल्टीप्लाई करने पे काम नहीं चलेगा डिनोमिनेटर को, अगर डिनोमिनेटर कह रहा हूँ तो न्यूमरेटर में ही करना पड़ेगा, मतलब उसमें भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे किससे करूँगा, समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है, रूट थ्री से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, क्यों, क्योंकि रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर मेरा बन गया 3, और ये क्या बन गया, न्यूमरेटर 2√3। बात समझ में आई, डिनोमिनेटर मेरा रैशनल नंबर बन गया, ठीक है। ऐसे अगर मैं आपसे कहता हूँ 4/√5, बहुत आसान, क्योंकि मैं इसको रूट फाइव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 4√5, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बन गया 5। बात क्लियर है, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो बहुत छोटे छोटे एग्जांपल है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6/√12, ठीक है, 6/√12 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा, देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं रूट ट्वेल्व से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने क्या किया, रूट ट्वेल्व से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो सिंपली ये क्या बन गया, रूट ट्वेल्व इंटू रूट ट्वेल्व इज 12, मैंने डायरेक्टली लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर 2 बना देगा, तो ये बन जाएगा √12/2, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अब इस रूट ट्वेल्व को अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा, रूट ट्वेल्व क्या होता है, इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 12 क्या होता है, 12 होता है 2 × 2 × 3, तो रूट ट्वेल्व क्या बन जाएगा, रूट ट्वेल्व ये बन जाएगा, और मुझे पता है कि ये पेयर एक बाहर आ जाएगा, तो रूट ट्वेल्व क्या बन गया, 2√3/2, बात ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, √3। बात समझ में आई, एक तरीका था कि मैंने सिंपली रूट ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर दिया, पर मैं देखता तो मुझे ये भी पता था कि ये 12 क्या है, 2√3, अभी हम लोगों ने देखा था, तो मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं लिख दूंगा 6/√3, रूट ट्वेल्व की वैल्यू सीधा ये लिख सकता हूँ, ये ठीक है, तो ये क्या बन गया, अब देखिए इसमें तो रूट थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड ही होगा, क्योंकि इस नंबर से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, इस वाले पार्ट से मुझे किससे दिक्कत है, सिर्फ रूट थ्री से दिक्कत है, तो मैंने रूट थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये बात क्लियर है, ओके। और वैसे भी ये 2 और 6 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, चलिए
ओके फाइन, एक तरीका ये है कि भाई अब मैं क्या करूँगा, 6 इंटू रूट 3, 2 इंटू 3, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, रूट 3। हम यहाँ पे भी करते तो रूट 3 आ जाता। मतलब अलग अलग ऑपरेशंस हैं। यहाँ पे करने का क्या मतलब है, यहाँ पे करने का मतलब ये है कि मैं इसको लिख देता 6 बाई 2 रूट 3 था। देखिए एक चीज़ और है जिसको मैं यहाँ थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, क्या किया मैंने, 6 बाय 2 रूट 3 कुछ ऐसा था, बाई चांस की बात है कि ऐसा निकल रहा है, तो उसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये क्या बन गया, 3। दिस इज़ 3 बाय रूट 3, और 3 क्या होता है, 3 होता है रूट 3 इंटू रूट 3, तो यहाँ अगर डिवाइड करेगा तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, रूट 3। ठीक है, रूट 3 टाइम्स रूट 3, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये रूट 3 ही आएगा। ओके, तो ये देखिए हर केस में आंसर तो देखिए सेम आना ही है, आंसर इसलिए सेम आना है, सही प्रोसेस करेंगे तो सही आएगा। कहने का मतलब ये है कि मैं डायरेक्टली रूट 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता या उसको ब्रेक कर लेता। नॉर्मली हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम इसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, उससे हमारा काम रिलेटिवली आसान होगा। रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे लिए ज़्यादा आसान था। ठीक है, तो आगे की हम चीज़ें और देखेंगे, मेरे ख्याल से इतना सब कुछ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन देखेंगे, और कॉन्सेप्ट देखेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब देखते हैं ये जो क्वेश्चन हैं हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसा हमें दिख रहा है रूट 2 एक रैशनल नंबर है, तो रूट 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई करने पे हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों नहीं चलेगा जरा वो देखते हैं। अगर मान लेते हैं भाई, अगर मैं सिर्फ रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक, तो इसका नुकसान क्या हुआ, इसका नुकसान क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ, वो देखते हैं। भाई न्यूमरेटर तो मेरा बन गया रूट 2, ठीक, रूट 2 बन गया। अब डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या बन गया, ये टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 रूट 2, और ये टर्म इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का रूट 2 इंटू रूट 2 विच इज 2। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो 2 बन गई, रूट 2 वाला पार्ट तो 2 बन गया, लेकिन यहाँ 3 रूट 2 आ गया, ठीक, तो मेरा काम नहीं चला, यानी कि वो वापस से एक इरेशनल नंबर ही बना रहा, तो मैं ये काम नहीं करूँगा। बात समझ में आई? तो इस तरह के केसेस हम क्या करेंगे वो देखते हैं। भाई देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इसमें, हमारे पास क्वेश्चन था 1/3 प्लस रूट 2, मैं इसमें जिस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड करूँगा वो होगा 3 माइनस रूट 2। ठीक, बात समझ में आई? अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आई तो वो समझते हैं। हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई क्यों किया कि 1/3 प्लस रूट 2, और 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस रूट 2 से। देखिए 3 कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस का रूट 2 है या माइनस का रूट 2 है, ऐसा क्यों किया, हम लोगों को आइडेंटिटी क्या पता है, हम लोगों को आइडेंटिटी पता है ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। हम लोगों को जो आइडेंटिटी पता है वो क्या है, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। This identity says that this equation is equal to a square minus b square. ये identity है, equation नहीं identity ही है ये। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ही हुआ, देखिए numerator तो मेरा एवरेज रहा 3 माइनस रूट 2, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो denominator क्या बन गया, denominator बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। ओके, तो 3 माइनस रूट 2 एज इट इज, ओके, और ये क्या बन गया, 3 स्क्वायर क्या होता है भाई, 3 स्क्वायर होता है हमारा 9, और रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो अब डिनोमिनेटर क्या बन गया, डिनोमिनेटर बन गया 7, और न्यूमरेटर तो मेरा था 3 माइनस रूट 2, तो डिनोमिनेटर मेरा रैशनल नंबर बन चुका है, तो हमारा काम हो गया है आसान। यानी कि हमें जब भी इस तरह का फॉर्म दिया होगा तो हम उसके कॉन्जुगेट वाले पर, एक्चुअली कॉन्जुगेट अलग कॉन्सेप्ट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आता है जो हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको भी हम इरेशनल नंबर में हम बोल देते हैं। ठीक है, एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हमें ये दिया हुआ है ए प्लस बी का फॉर्म दिया है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस बी के फॉर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमें ए माइनस बी दिया होगा तो हम किससे करेंगे, ए प्लस बी वाले से करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है, ये आइडेंटिटी ये निकल के आनी चाहिए,
ताकि हमारा जो रूट का वाला स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाए। बात ठीक है, अगर मैं 3 प्लस रूट 2 के ही होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता तो वहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए अगर मैं आपसे क्या कहता, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर में देखते हैं। अगर मैं आपसे कहता 1/3 + √2 ये दे रखा है, अगर मैं इसको 3 + √2 से पूरे से मल्टीप्लाई कर देता तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्या तब भी यही आता वो देख लेते, मैं तो कह रहा हूँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, मैंने पहले ही बता दिया। देखिए 3 + √2 ये तो मेरा न्यूमरेटर बन गया, और डिनोमिनेटर क्या बन गया, डिनोमिनेटर बन गया 3 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये डिनोमिनेटर क्या बन जाता भैया हमारा, डिनोमिनेटर बन जाता a² + b² + 2ab, इससे एक्सपेंड कर देते, हमारी आइडेंटिटी होती है a + b² की, तो ये बन जाता 3² + √2² + 2 × 3 × √2। ठीक है, अगर मैं ये कर देता और न्यूमरेटर तो मेरा 3 + √2 हो ही जाता। ओके, दिस इज डिनोमिनेटर की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अभी, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 3, ये बन गया 2, ये 3 + 2 + 3 × 2 = √2। ठीक, न्यूमरेटर तो मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दिया। ओके, तो डिनोमिनेटर मेरा क्या बन गया, डिनोमिनेटर बन गया 3 + 2 = 5 + 6 √2, और न्यूमरेटर है मेरा 3 + √2। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में मेरा अभी भी एक इरेशनल नंबर है, तो मेरा काम नहीं चलेगा, मतलब ये काम हम नहीं करेंगे। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमें फ़ायदा नहीं होगा, हमें फ़ायदा तभी होगा जब हम a² - b² की आइडेंटिटी वाले पार्ट को यूज़ करेंगे। तो कुल मिला के हमेशा यही होने वाला है। इसका क्या मतलब है, अगर a + b के फॉर्म का होगा, जैसे यहाँ 3 + √2 के फॉर्म का था तो 3 - √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ a - b के फॉर्म का होगा तो 3 - √2 वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। तो ये हमारा क्वेश्चन है और हम इसको सेम कॉन्सेप्ट पे लेके जाएंगे। हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा √3 + √5 से। क्यों करना होगा इस नंबर से, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एक जब हमें a + b के फॉर्म का नंबर दे रखा होगा तो हम a - b वाले से करेंगे, या a - b वाले फॉर्म का नंबर दे रखा है तो a + b से करेंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दोनों पे रूट है, दोनों पे रूट हो, एक पे रूट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a² - b² यानी कि ये काम करेगा। देखिए ये क्या बन गया, न्यूमरेटर तो बन गया 5 × √3 + √5। ओके, डिनोमिनेटर क्या बन गया यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ये बन गया √3² - √5² ब्रैकेट लगा के करें या ऐसे करें बात बराबर है, मतलब ब्रैकेट रूट थ्री पर लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं है। ओके, तो अब न्यूमरेटर तो मेरा 5 √3 + √5 ही बन गया, 5 × √3 + √5। डिनोमिनेटर क्या बन गया भाई, √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, एंड √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, तो ओवरऑल बहुत आसान हो गया, डिनोमिनेटर मेरा बन गया -2 और ये बन गया 5 × √3 + √5। ओके, तो ये निगेटिव ऊपर जाएगा जैसे हमेशा हम लोग कर लेते हैं, आज सीखा भी था, वापस से रिकॉल किया था, तो √3 + √5 whole upon 2। बात समझ में आई, आपने देखा कि चाहे दोनों नंबर्स पर रूट लगा हो, चाहे एक नंबर पर रूट लगा हो, मतलब प्लस या माइनस में, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये पक्की बात है, अगर माइनस बीच में साइन लगा होगा तो हम प्लस वाले से करेंगे, और अगर यही प्लस होगा तो हम माइनस वाले से करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी हम ये वाले यूज़ करते हैं, मतलब ये बना लेते हैं आइडेंटिटी a + b × a - b वाली। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये है 2 + √3 upon 2 - √3, और ये सब रैशनलाइज ही करने का काम है हमें इसको। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है, हम लोगों को यहाँ पे माइनस दिख रहा है, तो मुझे पता है
कि क्या करना है। देखिए न्यूमरेटर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर हमारा रैशनल हो इरेशनल हो ओवरऑल कोई फ़र्क नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना। इतनी बातें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 2+√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो 2+√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब था। ओके, तो न्यूमरेटर मेरा क्या बन गया, ये इसमें भी ब्रैकेट लगा लेते हैं। ब्रैकेट लगाने का फ़ायदा ये है, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न हो सकता है, होता नहीं है ऐसा, पर हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए, तो न्यूमरेटर की अगर बात करें तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2+√3 होल स्क्वायर होल अपॉन 2-√3 और टाइम्स 2+√3। तो डायरेक्टली हम लगा सकते हैं क्या भाई, 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, a+b (a-b) या a-b टाइम्स a+b, बात तो वही है। ओके, तो डिनोमिनेटर क्या बन गया, डिनोमिनेटर बन गया 4-3। क्लियर, और न्यूमरेटर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो क्या बन रहा है, ये a+b होल स्क्वायर से एक्सपैंड कर देते हैं तो क्या बन गया, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √3। कैसे, a² + b² + 2ab। बहुत से लोग a² + 2ab + b² लिखते हैं, बात बराबर है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ओके, तो डिनोमिनेटर तो मेरा 1 ही बन गया, न्यूमरेटर अगर हम बात करते हैं तो क्या बन गया 2² = 4 और √3 का स्क्वायर क्या बन गया 3+2 = 4, 4√3 बन गया। और ये डिनोमिनेटर 1 था, कोई दिक्कत नहीं, 4+3 क्या बन गया, ये 7+4√3। बात समझ में आई, हम लोगों को किससे मतलब है, हम लोगों को मतलब है सर डिनोमिनेटर से, और उसको ही हमें देखना है। a+b के फॉर्म का होगा तो a-b से कर देना, a-b के फॉर्म का होगा तो a+b से कर देना। आई थिंक ये क्लियर होगा, इसी में के और थोड़े से एडवांस क्वेश्चन देखेंगे और अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हमें बहुत जगह रूट्स दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका जो हम नॉर्मली देख के हम कर सकते हैं कि √48+√18 है, तो √48-√18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर थोड़ा सा आसान बना लेंगे, प्राइम फैक्टर से इसको देख लेते हैं पहले ये किस में ब्रेक हो रहा है। तो 48 क्या होता है भाई, 48 होता है, अगर 48 की बात करें तो ये होता है क्या, इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, तो ये बन जाता है क्या 2 × 2 × 2 × 2 × 3। आई थिंक यही बनेगा, हाँ ठीक है यही बनेगा, 16 बनता है। और 18 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या बनता है, 18 क्या होता है भाई, 18 होता है 2 × 3 × 3, 9 × 2 = 18 होता है। ओके, तो अब अगर मैं इसके पे रूट लगा देता हूँ, ठीक, तो रूट अगर मैं लगाता हूँ तो ये पेयर बाहर चला जाएगा, ये पेयर बाहर चला जाएगा और ये अंदर रह जाएगा, तो √48 सिंपली क्या बन गया मेरा, 2 × 4 मतलब 2 × 2 √3। ओके, एंड √18 मेरा क्या बन गया, ये बन गया, ये पेयर बाहर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 3√2, दिस इज 4√3। बात समझ में आ रही है, ये तो हम लोग करना जानते हैं, जैसे पेयर बाहर आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके फाइन, तो अब ये क्वेश्चन मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया 4√3+5√2 होल अपॉन, ये बन गया 48 था मेरा 4√3 एंड दिस इज 3√2। क्लियर है, तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे अभी भी इसके कॉन्जुगेट वाले पार्ट से ही, और वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा सिंपली 4√3 − 3√2। ओके, 4√3 − 3√2। अच्छा,
अब हम कहेंगे कि सर अगर हमें इसको प्रॉपर इससे ही करना था तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, मतलब हम डायरेक्टली कर सकते थे क्योंकि 4 रूट 3 हमारा रूट 48 था और 3 रूट 2 हमारा 18 था, तो डायरेक्टली कर देते, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्टली करते तब भी हमारा वही आंसर आता जो आएगा अभी। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ ये 48 माइनस 18 के ही फॉर्म में बनेगा, पर ये काम करने से हमारा न्यूमरेटर की चीज़ रिलेटिवली आसान हो गई क्योंकि न्यूमरेटर में फिर हमें जाके करना पड़ता, तो मतलब हमें करना तो था ही क्योंकि फिर आप इसको रूट 48 को ब्रेक करते तभी तो मल्टीप्लाई करते है ना, क्योंकि 4 रूट 3 का टर्म बन रहा है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो करके देखिएगा, रूट 48 अगर आप करेंगे तो फिर वो रूट रूट में आता रहेगा, फिर आप उसको बाद में रैशनलाइज मतलब फिर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, चलिए तो डिनोमिनेटर हमारा क्या बन गया। आपने एक चीज़ नोटिस की है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि जिस चीज़ को हमें पहले ऑपरेट करना है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हालांकि इम्पॉर्टेंट न्यूमरेटर भी ऐसा नहीं है, जो चीज़ के लिए हमने इतनी मेहनत की है पहले वो लिख लो ताकि काम आसान हो जाए। ठीक है, ओके, तो ये क्या बन गया, ये बन गया भाई 4√3 स्क्वायर माइनस 3√2 होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर बनेगा, सिर्फ रूट थ्री का स्क्वायर नहीं लगेगा, ये पूरे का बनेगा क्योंकि ये पूरा टर्म है 4√3। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियाँ कई बार हो जाती हैं जल्दबाजी में, ओके, और फिर हमारी मेहनत बहुत ख़राब हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कितना बना 4√3 स्क्वायर। ओके, 4√3 को जब मैंने माइनस 3√2 से किया तो निगेटिव 4√3 √3 √2, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई 5√2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस का आएगा कितना 20√2 √3। ओके, नाउ ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया माइनस 5√3 15 और √2 √2 यानी कि √2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए न्यूमरेटर की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या बन गया, ये 4√3 का स्क्वायर क्या बनेगा, वो 48 ही बनेगा। कैसे किया, क्योंकि ये 4√3 देखे आया था ना, यहाँ पे 4√3 आया था ना, ये तो ये इसका रूट के बाद ये आया था, तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, 4√3 का स्क्वायर इज रूट 48 का स्क्वायर, तो डायरेक्टली 48 हो गया और कैलकुलेट करेंगे तो भी वही आएगा। चलिए ये क्या बन गया माइनस 12√6। ठीक, ये क्या बन गया प्लस का 20√6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एंड माइनस 15√30 √2 का स्क्वायर 15√30। ओके, और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या बन गया 4√3 का स्क्वायर इज 48 माइनस 3√2 का स्क्वायर इज 18। 3√2 का स्क्वायर, ये देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 9 9 2 18, तो 48 माइनस 18 जो मैंने आपसे कहा था डायरेक्टली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर क्या बन गया, डिनोमिनेटर हमारा बन गया भाई 30। ठीक है, डिनोमिनेटर बन गया हमारा 30, 48 माइनस 18 इज 30। अब न्यूमिनेटर की हम बात करते हैं तो 48 माइनस 30 इज प्लस का 18। ओके, यहाँ लाइक टर्म्स हैं, यहाँ क्या बन रहा है माइनस का 12√6 और प्लस का 20√6, तो ये क्या बन गया भाई प्लस का 8√6। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का 8√6 बना क्योंकि ये प्लस का 20 था और माइनस का 12 था, तो वो 8 और मतलब टाइम्स √6 तो चल ही रहा है। चलिए तो ये हो गया, इतना लंबा इसकी बनाने की जरूरत नहीं थी। चलिए तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, न्यूमरेटर में अगर हम देखें हैं तो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बन गया भाई 9+4√6। चलिए और डिनोमिनेटर क्या बन गया, डिनोमिनेटर बन गया 30, तो ये कैंसिल आउट, 15 क्या बना 9+4√6/15 और ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो हम इसको रैशनलाइज करने के बाद देखेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। हमने किया क्या था, हमने ये किया था रूट 48 को ब्रेक कर लिया था और रूट 18 को भी ब्रेक कर लिया था उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। ठीक है, अगर हम रूट 48 रूट 18 लेके भी करते तो डिनोमिनेटर में दिक्कत नहीं होती, न्यूमरेटर में वापस से हमें ये करना ही पड़ता, तो इसलिए मैंने पहले ही कर लिया था, और कोई बात नहीं थी। ठीक है, सब कुछ समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो भाई ये हमारा नेक्स्ट वेरिएंट है क्वेश्चन का और ये दे रखा है एक नंबर
जो रैशनलाइज करेंगे ही हम, जाहिर सी बात है, और ये उसके बाद फिर ये कुछ इस फॉर्म का बनना चाहिए, मतलब ये इक्वल होगा, और कह रहा है फाइंड करनी है हमें ए की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे और इससे इक्वेट करेंगे और ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बहुत आसान है। देखिए इसको अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, भाई ये हमें दे रखा है 7 + 4√3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई 7 − 4√3, ठीक है, ओके 7 − 4√3 से, और ये पार्ट मेरा एज इट इज़ है ही, क्या है ये 5 + 2√3, ठीक है जी, तो ये भी है। चलिए तो अब डिनोमिनेटर मेरा क्या बन गया, डिनोमिनेटर बन गया मेरा, अब तो याद हो जाता है ऐसा करते करते, 7² − 4√3² ठीक है, ओके। और न्यूमरेटर की अगर हम बात करते हैं, न्यूमरेटर मेरा क्या बन गया, 5 × 7 = 35, ओके, और इसको किया मल्टीप्लाई, तो 5 × 4 = 20√3, ओके। अब 2√3 को इससे मल्टीप्लाई किया 7 से, तो क्या बन गया 14√3, ओके, और 2√3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 8, और ये √3² क्लियर क्लियर। डिनोमिनेटर मेरा क्या बन गया, ये 7 का स्क्वायर होता है क्या 49, और 4√3 का स्क्वायर होता है 48, अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 है और बाकी तो अब देखते हैं क्या बन रहा है, ओके ये तो 35 ही बन गया, कोई नहीं, ये बन गया −20√3 और +14√3, यानी कि −6√3, ओके, और 8√3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, तो ये क्या बन गया 8 × 3 = 24, ये प्लस का 35 है, ये माइनस का 24 है, क्या बन गया भाई, ये बन गया 11 − 6√3/1, तो कुल मिला के 11 − 6√3 ही बन गया, हाँ, तो ये क्या बन गया भाई, फाइनल वैल्यू 11 − 6√3, ये किसके बराबर है, यहाँ से देखते हैं हम, ये बराबर है a − 6√3 के, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि 6√3 हम कैंसिल कर दें, वो भी है, चलिए एक तरीका तो ये भाई 6√3 कैंसिल कर दिया तो 11 = a आ गया सिंपली। पर एक तरीका और है जो सोचने का तरीका है, और वो सोचने का तरीका क्या है, जैसे हमें दे रखा है कि भाई 11 − 6√3 है और ये है a − 6√3, तो एक बात आप याद रखिएगा कि रैशनल पार्ट हमेशा रैशनल के ही इक्वल होगा, अगर दो इक्वेशन दे रखी है, और इरैशनल पार्ट इरैशनल के ही इक्वल होगा, ये पक्की बात है, यानी कि ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। चलिए ये 6√3 तो 6√3 के इक्वल है ही, ये बात तो दिख ही रही है, उन्होंने कैंसिल करके भी देख लिया, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो रैशनल वाला पार्ट रैशनल के ही इक्वल होगा, हम इक्वल कराएंगे, इक्वेट कराएंगे किसको, कोफिशेंट्स को, तो a और 11 जो होंगे वो इसीलिए इक्वल होंगे, ठीक है, बात समझ में आई। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ जी, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 + √5/7 − √5, −7 − √5/7 + √5 = a + 7/11 × √5 × b, और हमें फाइंड करनी a और b की वैल्यू। तो इतना लंबा बोलने में लगा, पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये इसके इक्वल है और हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें इसमें हैं, a और b दोनों फाइंड करने हैं। चलिए अब देखिए, हमें ये तो पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, पर थोड़ा सा और गौर से देखें तो 7 − √5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं सिर्फ इस टर्म की बात कर रहा हूँ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 + √5 से करेंगे जो इसका डिनोमिनेटर है, और 7 + √5 को अगर मुझे रैशनलाइज करना है तो 7 − √5 से करेंगे जो इसका डिनोमिनेटर है। तो एक काम करते हैं, सिंपली हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो भी तो काम चल जाएगा। देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया 7 − √5 × 7 + √5, और ये
एक दूसरे को रैशनलाइज करने के लिए भी काफ़ी हैं, और एलसीएम भी इनका यही है, तो हमारा काम आसान हो गया। ओके, तो न्यूमरेटर क्या बन गया भाई? न्यूमरेटर बन गया 7 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब इस काम को हम करेंगे तो क्या 7 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा ये, और ये 7 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 7 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर। फाइन फाइन ओके, तो इसका डिनोमिनेटर क्या बन गया? डिनोमिनेटर तो बन गया 7 स्क्वायर विच इज 49 माइनस 5, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब न्यूमरेटर की अगर मैं बात करता हूँ, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। न्यूमरेटर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम वैसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, पर चलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको ओपन कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, 7 का स्क्वायर विच इज़ 49, और ये क्या बन गया, रूट 5 का स्क्वायर 5, और ये बन गया 7 टू ज़ा 14 रूट 5, ठीक ठीक ओके। नाउ इसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं, ब्रैकेट में डालने का फ़ायदा ये होगा कि सारे टर्म्स निगेटिव होते जाएंगे, इसलिए बाद में एडजस्ट करने में आसानी रहेगी। ओके, 7 का स्क्वायर 49 एंड प्लस 5 एंड माइनस 14 रूट 5, ठीक है। तो डिनोमिनेटर की अगर हम बात करते हैं तो क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर तो बन गया हमारा 44, ओके। चलिए अब ये वैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 49 प्लस 5 कितना हुआ 54, ओके, प्लस 14 रूट 5 माइनस 54, क्योंकि ये कितना बन रहा है 54, और ये बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस का 54, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या 14 रूट 5, ठीक है। ये 54 कैंसिल आउट हो गए, ये क्या बन गया, ये बन गया 28 रूट 5, यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया 44, ठीक है जी। तो ये 4 से कैंसिल आउट होगा तो ये क्या बन जाएगा 7, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 11, तो ये क्या बन गया 7 बाई 11 रूट 5, ठीक। अब ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये बन गया 7 बाय 11 रूट 5 इज इक्वल टू ए प्लस 7 बाय 11 रूट बी रूट 5 टाइम्स बी, ठीक है। अच्छा अब एक बात, मैंने कहा था रैशनल वाला पार्ट रैशनल के इक्वल होगा और इरैशनल वाला पार्ट इरैशनल के इक्वल होगा, ये बात हम लोग समझ लेते हैं। रैशनल वाला पार्ट रैशनल से इक्वल, पर यहाँ रैशनल दिख नहीं रहा, दिख रहा है, ये जीरो प्लस लिख सकते हैं ना, है ना, ये जीरो प्लस तो लिख ही सकते हैं, तो ये इससे इक्वेट हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि रैशनल रैशनल के बराबर होगा और इरैशनल इरैशनल के, तो ए की वैल्यू क्या आ गई भाई जीरो, और अगर मैं बी को कंपेयर करना चाहता हूँ तो ये क्या निकल गया, क्या 7 बाई 11 रूट 5 इज इक्वल टू 7 बाई 11 रूट 5 टाइम्स बी, तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इज इक्वल टू बी, तो ए की वैल्यू 0 आ गई एंड बी की वैल्यू 1 आ गई। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ट्रिकी था, क्योंकि इसमें बी की वैल्यू तो हम निकाल सकते थे, ए की वैल्यू हमें देखने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था। आई होप ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने इसको रैशनलाइज किया है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और आपको लगा भी होगा कि ये वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करते रहा करिए, प्रैक्टिस अच्छी होती है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू में दे रखी है 2 प्लस रूट 3 एंड हमें फाइंड करनी है ए माइनस 1 बाई ए की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, ए की वैल्यू तो है, सिंपली पहले 1 बाई ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, सीधे पुट करके आप उसको ये मत कीजिएगा कि भाई आप ये करने लगे हैं कि 2 प्लस रूट 3 माइनस 1 बाय 2 प्लस रूट 3, इस तरह के काम करने की नीड नहीं है, ठीक है ना। मतलब आएगा सोल्यूशन से, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन और जो तरीका है जो स्कूल में भी ज़्यादा एक्सेप्टेड है और वो करने में ज़्यादा फ़ायदा हमारा, वो हम देख लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी स्कूल्स में नॉर्मली वो उसी चीज़ को चेक करना चाहते हैं रैशनलाइज की, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, हम क्या करेंगे कि
ए हमें दे रखा है, तो 1 बाई ए की वैल्यू यहाँ से क्या निकल आएगी? देखिए यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 1 बाई ए की वैल्यू सिंपली क्या है, दिस इज 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, क्लियर? ओके, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। ओके, तो 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये 1 बाई ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई, डिनोमिनेटर क्या बन गया, 4 माइनस 3 रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3। ओके, न्यूमिनेटर क्या बन गया, 2 माइनस रूट 3, तो कुल मिला के ये बन गया 2 माइनस रूट 3 1 बाई ए की वैल्यू। हमें वैल्यू चाहिए थी a माइनस 1 बाई ए की, तो a माइनस 1 बाई ए, ओके a की वैल्यू क्या है, 2 प्लस रूट 3, ओके माइनस 1 बाई ए की वैल्यू क्या है, 2 माइनस रूट 3, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हम क्या करेंगे, इसको बस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और कुछ करना ही नहीं है, 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस रूट 3, माइनस 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, ये क्या बन गया, 2 रूट 3, रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3, और ये किसकी वैल्यू आ गई, a माइनस 1 बाई ए की। आपने देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ अगर हम करने जाते तो इसको एलसीएम लेते और फिर सॉल्व करते, या इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते, वही हमने किया, बेसिकली कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके कर लिया, एलसीएम लेने की हमें नीड ही नहीं पड़ी। एलसीएम लेने के बाद फिर क्या होता है कि हम उसको रैशनलाइज कर दे, तो वो थोड़ा लंबा हो जाता, मतलब अगर हम करते क्या करते, इसको 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1, और ये फिर डिनोमिनेटर आता, पहले हम उसको न्यूमिनेटर को सॉल्व करते और फिर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते, कुछ लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं, तो वो काम नहीं करना है। हमें क्या करना है, सिंपली a की वैल्यू दे रखी थी, 1 बाई ए निकाला, 1 बाई ए में उसका रेसिप्रोकली किया और क्या किया, उसको रैशनलाइज कर दिया, उसके बाद जो वैल्यू आई वो इस तरह की आई कि आसानी से सॉल्व हो गई, और a और 1 माइनस a एंड माइनस 1 बाई ए की वैल्यू हमने सिंपली पुट करके उसको सॉल्व कर लिया। आई होप समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी देखा था। a दे रखा है 5 प्लस 2 रूट 6, बी की वैल्यू 1 बाई ए है, तो हमें फाइंड करनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, और आई कैन से हमें ए स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू है 1 बाई ए, विच मीन्स दिस इज 1 बाई 5 प्लस 2 रूट 6, ओके? इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 माइनस 2 रूट 6 से, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो न्यूमरेटर तो मेरा बन गया 5 माइनस 2 रूट 6, और डिनोमिनेटर मेरा क्या बन गया, 5 का स्क्वायर 25, और ये बन गया 2 टू 4 और रूट 6 का स्क्वायर 6, तो बन गया 24, तो डिनोमिनेटर मेरा बन गया 1 और ये बन गया 5 माइनस 2 रूट 6, सिंपली किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, ठीक है? अब हमें फाइंड करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो ये क्या बन गया, a की वैल्यू थी हमारे पास 5 प्लस 2 रूट 6 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 रूट 6 होल स्क्वायर, ये वैल्यू a की थी, और b की वैल्यू थी 5 माइनस 2 रूट 6 होल स्क्वायर, ठीक है? बस कुछ नहीं करना है, आप तो होल स्क्वायर ओपन कर देने, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चल ही रहा है, ओके ये क्या बन गया, 5 का स्क्वायर 25 और 2 रूट 6 का स्क्वायर 24 एंड प्लस 2 इंटू 5 10, 5 मतलब 2, अरे यार मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 5 इंटू 2 रूट 6, ठीक है? ये 10 वही बोला था, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20 रूट 6, ओके ना ये क्या बन गया, 5 का स्क्वायर विच इज़ 25 एंड ये क्या बन गया, ये 24 और अगेन ये क्या बन गया, 2 इंटू 5 इंटू 2 रूट 6 विच इज़ 20 रूट 6, और ये वैसे भी कैंसिल आउट हो रहा, ये माइनस का साइन है भाई, यहाँ पे यहाँ माइनस का साइन है, तो ये कैंसिल आउट हो रहा, ठीक है? वो प्लस लिख दिया था मैंने, वो लिखने में गलती थी। चलिए, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25 प्लस 24 49, और ये 49 ये बन गया 90
एट, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। ठीक है, तो ये हमारी, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए और बाकी हमारी वैल्यू हो गई। आई थिंक समझ में आया होगा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं, देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, पर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। एक फॉर्म और देखते हैं, मज़ा आएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्म है, हमें रूट टू और रूट थ्री की वैल्यू दे रखी है। रूट टू की वैल्यू है 1.414 और रूट थ्री की वैल्यू है 1.732। ये बहुत सारे लोगों को याद होती है और नहीं है तो होनी चाहिए, अच्छी बात है। बाकी हमें ऑलरेडी इस तरह क्वेश्चंस में कई बार दी होती है। ओके, तो इनको यूज़ करते हुए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट करके डिवाइड नहीं करेंगे, ये काम मत कीजिएगा, बड़ा गंदा हो जाएगी कैलकुलेशन आपकी और कोई फ़ायदा नहीं होगा और मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको इसको क्या करना है, इसको वही काम करना है जो आज की क्लास में अभी तक हम लोगों ने सीखा है। क्या, इसको हम रैशनलाइज करेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, रूट थ्री माइनस रूट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके, तो न्यूमरेटर क्या बन गया, रूट थ्री माइनस रूट टू, और डिनोमिनेटर क्या बन गया, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और रूट टू का स्क्वायर टू, तो ये सिंपली बन गया रूट थ्री माइनस रूट टू, और डिनोमिनेटर तो वन है ही ना। ये सिंपली क्या बन गया, ये बन गया भाई, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1.732 और माइनस 1.414, ठीक है। तो बस हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, 12 में से 4 गया भाई, 8 आ गया, 3 था यहाँ और जो 2 हो गया तो 2 माइनस 1 विच इज़ 1 एंड 7 माइनस 4 विच इज़ 3, और ये डेसिमल तो है ही, और ये 1 ख़त्म, तो ये 0.318 ये हमारी वैल्यू आ गई डिवाइड किसकी, 1/√3 प्लस रूट टू, ठीक है। तो हम लोगों ने ट्रिक जो आज सीखी थी उसको यूज़ करके अप्लाई कर दिया और फाइनल वैल्यू निकाल दी। आई होप जो आज की क्लास में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, पढ़ते रहिए, ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।